आपको पता है माही गिल पिछले दिनों काफी बिजी रही। उनकी हाल ही में रिलीज हुई साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स जो रिलीज हो रही है, जिसके लिए माही लगी थी दिन रात प्रमोशंस में। हाल ही में हम उनसे मिले एक ऐसी ही इवेंट में जहां माही कर रही थी अपनी फिल्म को प्रमोट। चलिए करते हैं माही से कुछ बातचीत। एक था राजा, एक थी रानी। हम जी रहे हैं, मकबरा नहीं हुए अभी तक। माही गिल अपनी फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स को लेकर काफी एक्साइटेड है। वो जहां जाती है इस फिल्म की तारीफ करने से नहीं चूकती। इनफैक्ट वो तो ये तक कह रही है कि ये फिल्म पहली वाली फिल्म से भी ज्यादा अच्छी है। साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स है, ये पहले पार्ट का ही एक्सटेंशन है। लेकिन एट द सेम टाइम जिन लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट नहीं भी देखा वो भी इस फिल्म को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, बिकॉज इसकी अपनी एक स्क्रिप्ट है, अपनी एक कहानी है। लेकिन जिन लोगों ने ये पहली फिल्म देखी है वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे अपने जो हमारे कैरेक्टर्स हैं। वैसे माही की माने तो ये फिल्म उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रही है। इसमें माही एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही है जो हर वक्त नशे में चूर रहती है, इसलिए उनके लिए अपना कैरेक्टर प्ले करना काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है ये वाला कैरेक्टर, ईजी नहीं था। फर्स्ट पार्ट मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं लगा था, लेकिन सेकेंड पार्ट बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज बहुत तरह के इमोशंस एक टाइम में ही इन्वॉल्व हैं। चाहे वो गुस्सा है, एक ही टाइम में उसको गुस्सा भी है, प्यार भी आ रहा है, अग्रेसिव भी हो रही है, तो ये इमोशंस एक टाइम पे लाना बहुत मुश्किल है। और ड्रंक दिखाया गया उसको हर वक्त, तो वो होते हुए भी आप ड्रंक भी हैं और आपके अंदर खतरनाक इरादे भी चल रहे हैं, यू नो, आपके तो वो सब इमोट करना काफी डिफिकल्ट था। अब जरा एक मजेदार गॉसिप की बात कर ले। पिछले दिनों माही और डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया के बीच की अफेयर्स की खबरें जोरों पर थी, तो जब हमने माही से ये कंफर्म करना चाहा तो वो आग बबूला हो गई। जो लोग ये चीजें लिखते हैं, आई थिंक उनको अपना होमवर्क पहले ठीक से करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत चीप लगता है ऐसी बातें करना। अगर आप किसी डायरेक्टर के साथ कंफर्टेबल हैं और डायरेक्टर आपको रिपीट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई लिंकअप है डायरेक्टर के साथ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इरफान और जिमी ने बहुत फिल्में की थी, तो उनके साथ भी लिंकअप करना चाहिए। जस्ट बिकॉज वो लड़के हैं तो इसके साथ लिंकअप नहीं करते, तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ें। और यू फील बैड बिकॉज आप किसी डायरेक्टर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उनकी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आई हैव माई ओन पर्सनल लाइफ, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, सो ये चीज़ें करनी आई थिंक सिर्फ क्योंकि आपका घर चल रहा है ऐसी चीज़ें लिखने से, तो आई थिंक किसी और का घर नहीं खराब करना चाहिए। नजर आ जाएंगे आंसू में जब भी तुम रो, मतलब जब भी आप रोई हैं, मिट्टी किया है आपने, हम पानी बन के निकलेंगे। देखिए आपके लिए हम शायर भी बन गए। अरे रिलैक्स माही, इस इंडस्ट्री में तो इस तरह की रूमर्स चलती ही रहती है, इतना गुस्सा मत होइए।